अहमदाबाद में रविवार शाम 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। एक की मौत की खबर है। अब तक 3 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद कई लोग मलबे के नीचे दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को हादसे की जानकारी दी। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बाद में हादसे की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर से एनडीआरएफ की 4 टीम भी बुला ली गई। फिलहाल एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस के 200 से ज्यादा जवान राहत और बचाव में लगे हुए हैं। अभी तक 3 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। अभी जस्ट एक विक्टिम निकाला गया है, क्योंकि निकालते वक्त तो अभी उसकी स्थिति अभी लाइव ही थी, बट हॉस्पिटल भेजा गया उसको ट्रीटमेंट के लिए। तो अभी भी कम से कम 5-6 लोगों के उसमें ट्रैप होने की संभावना है। और लगातार अभी आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर जेसीबी और क्रेन लगा कर हम लोग रबल्स को रिमूव करने की कार्रवाई करवा रहे हैं। जो मेजर पोर्शंस ऑफ जो रबल्स है उसको हम इनकी मदद ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 2 अलग अलग ब्लॉक थे, जिसमें कुल 32 फ्लैट थे। बिल्डिंग में दरार आने पर लोगों को नोटिस दे दिया गया था। हादसे से एक दिन पहले यानी शनिवार को ही इमारत खाली करा ली गई थी। 4 मंजिला बिल्डिंग थी, 2 अलग अलग ब्लॉक थे, एक ब्लॉक में 16 फ्लैट थे, ऐसे 32 फ्लैट थे। कल जोखिमी हो चुका था, सारे को नोटिस देकर के खाली करवाया गया है। हादसे के लिए लोग नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सभी लोगों को ये बिल्डिंग खाली करने की सूचना दी थी, मगर दो जितने परिवार आज गए थे और बिल्डिंग धस जाने के वजह से ये हादसा हुआ है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अगर उस वक्त ये एक्शन नहीं लिया होता तो 150 से ज़्यादा लोग इसके अंदर फंस जाते। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासन ने सही वक्त पर सही काम किया है, मगर अभी जो लोग अंदर हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम काम में लगे। लेकिन राज्य के गृह मंत्री का दावा है कि सरकार ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया।